हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। सो वेलकम टू म्यूज़। और आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग टॉपिक के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देगी। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीज़ कौन सी है? या फिर कभी आपने सोचा है कि इंसान धरती के अलावा भी कहीं और रह सकता है? अगर हमसे ये कहा जाए कि इंसान स्पेस में भी रह सकता है तो हम सब चौंक जाएंगे कि क्या ये पॉसिबल है, और ये सुनने में भी काफ़ी अमेजिंग लगता है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या सच में इंसान रह सकते हैं स्पेस में। इस धरती पे इंसान करीब 70 लाख सालों से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस धरती के अलावा कोई दूसरा प्लेस नहीं ढूंढा जहां वो रह सकते हैं। लेकिन एक ऐसी जगह है स्पेस में जहां इंसान काफ़ी सालों से रह रहे हैं, और उसका नाम है ISS। जी हाँ, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ISS होता क्या है, ये क्यों और कैसे बनाया गया, इसको बनाने के लिए कितना कॉस्ट आया, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको बनाने का क्या पर्पस था और इसका फ्यूचर क्या है। सो बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक साइंस लेबोरेटरी है जो कि इंसानों को डेडिकेटेड है कि कैसे स्पेस में रहा जा सकता है। इस धरती पे ये अब तक की सबसे महंगी चीज़ है। द कॉस्ट ऑफ ISS हैज बीन एस्टिमेटेड एट ओवर $160 बिलियन। If we talk about Indian rupees, it is about 11 lakh crores. अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। ये लगभग हमारी धरती से 408 किलोमीटर ऊपर है, जो कि 27,563 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमता है, जिसका साइज एक फुटबॉल फील्ड जितना है। अगर हम बात करें कि इसे क्यों बनाया गया, तो इसको बनाने का मेन पर्पस ये था कि हम ये फिगर आउट कर पाएं कि स्पेस एनवायरनमेंट में हमारा ह्यूमन बॉडी और हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे इफेक्ट करेगा, ताकि साइंटिस्ट को हेल्प मिल सके स्पेस मिशंस लॉन्च करने में और दूसरे प्लैनेट्स में रहने के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, इसका क्या क्या फंक्शन है, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो बेसिकली ये हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के जस्ट बाहर के साइड प्रेजेंट है, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट भी कहा जाता है। इसे हमारे अर्थ का एक चक्कर लगाने में कम से कम 92 मिनट का समय लगता है। समय के साथ साथ ISS अपना एल्टीट्यूड खो रहा है, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आएगा जब ISS अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर पूरी तरीके से जल जाएगा। लेकिन हम इसे रोकने के लिए ISS को पीरियडिकली रीबूस्ट करते रहते हैं, ताकि हम स्पेस में रह सकें। अगर हम रियलिटी की बात करें तो ISS को बनने के लिए काफ़ी सालों का वक्त लगा। ये छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया गया, जिसे बाद में स्पेस में लॉन्च करके ऑर्बिट में असेंबल कर दिया गया। 1984 में यूनाइटेड स्टेट ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया जिसका नाम था स्पेस स्टेशन फ्रीडम। ये एक्चुअली में ओरिजिनल स्पेस स्टेशन की तरह दिखता था, लेकिन ये कभी उसकी तरह बनाया नहीं गया था। 5 सालों बाद जब स्पेस का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, तब इसका ऑफिशियली नाम ISS पड़ा। ये काफ़ी अलग अलग पीसेज में बनाया गया है, जिसे हम मॉड्यूल्स भी कहते हैं। ये अलग अलग कंट्रीज के थ्रू बनाया गया, और हर एक मॉड्यूल 3 रॉकेट के साथ स्पेस में लॉन्च किया जाता है। और उन 3 रॉकेट का नाम है द अमेरिकन स्पेस शटल, द रशियन प्रोटॉन रॉकेट, द रशियन स्वेज रॉकेट। ISS का सबसे पहला मॉड्यूल 20 नवंबर 1998 रशिया के थ्रू लॉन्च हुआ था। अराउंड 10 सालों बाद 47 मिशंस ISS कंप्लीट कर चुका था 2009 के मई तक। ये सब पॉसिबल हो पाया है तो साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग कोलैबोरेशन की मदद से, जिसके अंदर 5 स्पेस एजेंसीज आती हैं जो कि 15 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हम बात करें ISS के अंदर के इंटीरियर की, तो इस पूरे स्टेशन में सिर्फ 2 बाथरूम्स हैं, एंड जो भी यूरिन क्रू मेंबर्स या लेबोरेटरी एनिमल्स के थ्रू पास आउट होता है, उसे ही फिल्टर करके ड्रिंकिंग वाटर में सप्लाई किया जाता है, ताकि एस्ट्रोनॉट कभी भी प्यासे ना रह सकें।
ISS में ऑक्सीजन एक प्रोसेस के थ्रू आता है जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, जो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में तोड़ता है। 19 अलग कंट्रियां और 200 से भी ज्यादा एस्ट्रोनॉट ISS को विजिट कर चुके हैं। यहां पर एस्ट्रोनॉट को कम से कम 6 महीने तक रहना पड़ता है। ये टाइम अकॉर्डिंग टू मिशन के हिसाब से भी चेंज होता रहता है। अब हम ये बात करते हैं कि ISS हमारे ऑर्बिट के बाहर क्यों नहीं गिरता, इसे गिरने से कौन रोकता है। जो ISS की स्पीड है वो एग्जैक्टली मैच करती है अर्थ के ग्रेविटी से, जिसकी वजह से वो ना अर्थ में ना वो अर्थ के बाहर कहीं और जा सकता है। अगर उसे अर्थ के बाहर जाना है तो उसको अपनी स्पीड एस्केप वेलोसिटी की जितनी करनी होगी, यानी उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमना होगा। इसी रीजन की वजह से ISS कभी भी ऑर्बिट के बाहर या अंदर नहीं गिरता। अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि ISS क्या कभी रिटायर हो पाएगा? तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट, ESA, जापान एंड कनाडा, इन कंट्रीज के अकॉर्डिंग अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया है। लेकिन 2014 में ओबामा ने ऐसा इंडिकेट किया था कि USA अपनी फंडिंग रोक देगा 2024 तक, और रशिया ने भी ये अनाउंस किया था कि 2025 तक वो अपना विड्रॉल वापस ले लेगा। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि शायद 10 साल और ये ऑपरेशन चलेगा। अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि कभी अगर ISS रिटायर हुआ तो उसे डिस्ट्रॉय कैसे किया जाएगा, जो सबसे मुश्किल सवाल है कि ये क्या कभी डिस्ट्रॉय हो पाएगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट स्काई से रिमूव करना बहुत चैलेंजिंग है। अगर हम आउटर स्पेस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बात करें तो हर एक कंट्री को अपने मॉड्यूल्स डी ऑर्बिट करने पड़ेंगे। बहुतों ने ये भी सजेस्ट किया कि उन सब मॉड्यूल को सेपरेट करके म्यूजियम पीस की तरह अर्थ पर रखा जाएगा, और इन सब को पॉसिबल करने के लिए 27 मिशंस लगेंगे, जो कि हर एक सेगमेंट को वापस अर्थ तक ला सकेगा। अगर इसका मोस्ट लाइकली सॉल्यूशन देखेंगे तो स्पेस स्टेशन के अकॉर्डिंग इसे पैसिफिक ओशन के एक एरिया में डी ऑर्बिट किया जाएगा, जिसका नाम है पॉइंट नेमो। ये एरिया सिविलाइजेशन के 1000 माइल दूर है, जो कि सबसे सेफेस्ट प्लेस है स्पेसक्राफ्ट को डिस्कार्ड करने के लिए। अब इतना सब जानने के बाद हमारे मन में भी इच्छा होती है कि क्या हम कभी ISS को खुली आंखों से देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। रात के समय आसमान में तीसरी सबसे ज्यादा चमकती हुई चीज ही ISS है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे सबके साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को हिट करें।